माय न्यू ब्लॉग। मैं सुबह उठी, मैंने सारा काम निपटा लिया और मुझे एक चीज़ की वेट है। मैंने आज ऑर्डर किया हुआ है, कुछ उसकी मैं वेट कर रही हूँ। बड़ी बेसब्री से मुझे इंतज़ार है उसका, तो बताती हूँ वो क्या चीज़ है। नहीं, अभी नहीं बताऊँगी, क्योंकि जब मैं दिखाऊँगी, उसे खोलूँगी, ओपन करूँगी, तभी मैं आपको बताऊँगी कि मुझे किस चीज़ का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है। मैं तो किसी चीज़ का वेट कर रही थी, बट ये तो आरव की गुल्लक है और आरव अपनी गुल्लक तैयार किए बैठे हैं। ये देखो कि मैं इसमें कुछ पैसे डालूँगी, ज़रूर डालूँगी आरव, ज़रूर। अक्षत ने गोप्रो को भी तैयार कर दिया है। वो कह रहा है कि बाहर जाना है, लेकिन जब तक मेरा पार्सल घर नहीं आ जाता, मेरी भी जिद है कि मैं नहीं जाऊंगी। ये देखो, ये गोप्रो की शॉर्टी है, ये उसका बॉक्स है, और ये गोप्रो, उसने बैटरी वगैरह सब चार्ज कर दिया है और वो तैयार है। बट हम वेट करते हैं अपने पार्सल की। मुझे लगता है आ ही गया है बाहर, अभी बैल की आवाज़ आई है मुझे, तो चलो देखते हैं। था बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, और वो चीज़ है ये इसका मैंने ऑर्डर किया हुआ था, और मैं काफ़ी दिनों से बाहर गई हुई थी, तो हम आज ही वापस आए हैं। तो खोलते हैं इस पार्सल को, जिसका मुझे बहुत और बेसब्री से इंतज़ार था। मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी कि मैं कब घर पहुंचूं और इसे खोल कर देखूं। तो मेरी मदर इन लॉ ने बताया कि वो पार्सल आया हुआ है, तो मैं काफ़ी देर से वेट कर रही थी कि क्या है इसके अंदर। ये तो मुझे मालूम है कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि ये मेरे लिए कोई सरप्राइज़ गिफ्ट तो था नहीं, और मैंने खुद ही ऑर्डर किया था, और बहुत ही सुंदर है इसके अंदर ड्रेस। बाकी खोलने पर पता चलेगा कि इस ड्रेस में है क्या। तो चलो खोलते हैं और चेक करते हैं कि कैसा क्या है इसके अंदर, और वो मैं आपको भी बताऊंगी। फाइनली इसे मैंने खोल दिया है, अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या है, कैसी है, कैसी है ये मेरी ड्रेस। यस, ऑसम। अब इसका फैब्रिक देखते हैं कैसा है, ये देखिए, ये है मेरी ड्रेस।